कोरोना महामारी दे दौरान पद्म श्री भाई निर्मल सिंह खालसा दी मौत तो बाद उन्हां दे परिवार दे वलों जिस जगह ते उन्हां दा अंतिम संस्कार कीता गया सी उस जगह ते बरसी मनाई जांदी है। उत्थे ही भाई निर्मल सिंह खालसा दे सपुत्र ते उन्हां दे अहुदेदारां दे वलों 2 अप्रैल नूं होण वाली दूसरी बरसी दे मौके ते अंतिम संस्कार वाली जगह दा जायजा लिया गया, जिथे भाई निर्मल सिंह खालसा दे सपुत्र ने जानकारी दिंदिया कहा कि पंजाब सरकार दे वलों जो वादे उन्हां दे नाल कीते गए सन उन्हां दे विचों कोई भी वादा अज तक पूरा नहीं किया गया। उत्थे ही उन्होंने कहा कि वह पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं भी अपने प्रोग्राम अते बरसी दे विच आउण दा सदा दिंदे ने अते उन्हां नूं आस है कि भगवंत सिंह मान उन्हां दे पिता दी बरसी दे मौके ते जरूर आउणगे क्योंकि भगवंत सिंह मान उन्हां दे पिता दा बहुत सत्कार करदे सन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अमतेश्वर सिंह जी, सपुत्र पद्मा श्री भाई निर्मल सिंह खालसा जी का बेटा। 2 तरीक दूसरी बरसी आने वाली है, की लोगों को संदेश? मैं इस टाइम पिता जी स्थान पर खड़ा जी। 2 अप्रैल 2022 पिता जी की बरसी है। 31 तरीक अखंड पाठ साहब की आरंभता होएगी और बहुत ही अच्छे सूझवान रागी सिंह, ढाडी सिंह कथावाचक इतने आ रहे हैं और नाल गुरु घर का लंगर टुट वरताया जाएगा। और मैं नाल नाल सारिया संगतों को, पार्टियां को, जथेबंदियों को अपील करदा कि वध तो वध तनो मनो सहयोग देन और इत्थे वध तो वध इकट्ठ करके आपां गुरु घर दीआं खुशियां नूं प्राप्त करिए और इत्थे रागी सिंघां नूं, ढाडी सिंघां नूं, कथावाचक नूं सुन के आपां नहाल होईए। भगवंत मान साहब जिहड़े ने अज्ज सहुं चुक चुके ने, कि उहनां नूं वी मिल के अपील करोगे जां उहनां नूं सद्दा पत्र दित्ता जाएगा? मैं हांजी भगवंत मान जी नूं अपील करदा कि उह बहुत अच्छे इंसान ने, बड़े सूझवान इंसान ने। मैनूं बड़ी आस है कि उह साडी जिहड़ी सद्दा पत्र अस देन जावांगे उस कबूल करनगे और इतने जरूर आवगे। पिछली बार भी गुरप्रीत सिंह घुग्गी होने पहुंचे थे? हाँ जी, हाँ जी, गुरप्रीत भाजी आए से पिछले साल। इस साल चाचा जी उन्होंने नाल ही से उत्थे लंडन उन्होंने शूटिंग चलती पी है। मेरे ख्याल इस साल तो नहीं आ सकते पर मैं होर कई इस तरह अच्छे शख्सियतों क्या है, देखो उस टाइम तो आदि कि नहीं आदि कि बाकी आस तो पूरी है कि जिस तरह दीप सिद्धू जी के प्रोग्राम से इकट्ठ होया, मैं आस करदा कि इस साल इतने भी उस तरीके इकट्ठ हो। मैं बहुत ज़्यादा तनो मनो मतलब कि उन्होंने मतलब कि सत्कार करदा सारे का, कि तुसी अपील भी करदा कि तुसी वध तो वध अपना टाइम कढ के इत्थे तुसी पहुँचने की कृपालता करो।